सीधा रुक करते हैं संवाददाता गौतम के पास और गौतम से जानते हैं। गौतम, आप इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, वहां पर आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम? खुशी की बात है और बहुत ही खुशी की बात महिला मोर्चा के लिए है, क्योंकि उनके तरफ से स्वागत कार्यक्रम जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया। तमाम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महिला मोर्चा के सदस्य जो है अध्यक्ष लाजवंती झा के नेतृत्व में यहां पर मौजूद है और खास यहां पर जो तैयारी है स्वागत का, महिला मोर्चा को ही ये जिम्मा दिया गया है कि पूरा जो कहा जा सकता है कि पूरी स्वागत का जो है पार्टी कार्यालय में जो है वो इन्हीं के जिम्मा है। लाजवंती जी, पूरा तैयारी किया गया है और आप ही लोग के कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि उनका स्वागत आपके यहाँ जी। हमारे एनडीए की पहली बार महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार हुई है, वो भी एक जनजाति समुदाय से, और महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हुई है और हम महिला इनको उत्साहित होकर आज उनका स्वागत बिहार की धरती पे पूरे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिहार की ओर से पटना के जमीन धरती पे कर रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारी महिला बैंड यहाँ पे है, हमारी सभी बहनें हैं, पूरे सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर जब वो आएंगी तो वही दृश्य को देख के आह्लादित हो कि महिलाओं में जितनी उत्साह है उनके माननीय राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने। दूसरी महिला बनने जा रहे हैं देश के राष्ट्रपति और बीजेपी ने ये मौका दिया खासकर उस समाज की महिला को जो सबसे निचले पायदान पे मानी जाती है। देखिए, हमारी पार्टी जो एनडीए सरकार है वो हमेशा से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेके काम कर रहे हैं और ऐसे में एक जनजाति समूह की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है तो इससे अपार हर्ष की बात क्या हो सकती है। और हमारी पार्टी सभी को हमेशा से मौका दी है और इसी में हमने जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है कि किसी में भेदभाव नहीं है, जो भी है सब बराबर है। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, एक जनजाति समूह की महिला भी हमारी राष्ट्रपति बन सकती है और एक हमारा ठेला रिक्शा चलाने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये यही एक मैसेज है और इस मैसेज के साथ ही हम महिला मोर्चा की बहनें कार्य कर रहे हैं और आज नहीं कल सभी बहनें हमारी इस बात से उत्साहित है कि सभी को हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन मौका देगी, अवसर देगी और ये तो आज अत्यंत हर्ष की बात है कि भावी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हमारी पटना के धरती पे आ रही है। हम बहनों उनको उत्साह के साथ आज स्वागत कर रहे हैं। खासकर महिला बैंड को आप लोगों ने बुलाया है इस पे जी। महिला अगर राष्ट्रपति बन सकती है तो महिला बैंड क्यों नहीं बजा सकती है? और महिला तो आज क्या नहीं कर रहे, फाइटर जेट विमान चला रही है, फाइटर विमान चला रही है, तो महिला बैंड से ही उनका स्वागत हो, ये हम लोगों का तो, और महिला बैंड उनका स्वागत करे। पार्टी कार्यालय में जब पहुंचेंगी तो किस तरह से स्वागत होगा, क्या कुछ खास जी? पुष्प वर्षा से बैंड बजा के शंखनाद करके उनका स्वागत हम सभी बहने करेंगे और फिर जिस हिसाब से समय रहेगा, जिस हिसाब से उनकी यहाँ पे शेड्यूल होगी, उस हिसाब से उनको हम लोग पुष्पगुच्छ देंगे और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हम करेंगे। एक ऐसा समय है क्योंकि पार्टी ने आप ही लोग को ये पूरा जिम्मा दे दिया कि आप ही संभालिए स्वागत। निश्चित रूप से महिला उम्मीदवार है, महिला राष्ट्रपति होने जा रहे हैं तो महिलाओं में तो अत्यंत हर्ष की बात है और सभी महिला आज यहाँ एकत्रित होकर उनका स्वागत करने के लिए आतुर है, रंग बिरंगा कपड़ा, रंग बिरंगा ड्रेस पहन के सज धज के जैसे कोई शादी विवाह का उल्लास का मौसम हो। महिला मोर्चा के तमाम जो सदस्य और यहाँ पर जो बैंड है वो भी बहुत खास है, महिला बैंड को जो है खास कर इस बार लाया गया है यहाँ पर। महिला मोर्चा के तरफ से जो है ये पूरी जिम्मेवारी संभाली गई है कि आपको द्रौपदी मुर्मू जी का जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से स्वागत करता है। गोपाल जी ठाकुर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है इंतजार करने के लिए, बीजेपी के सांसद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। ये एक खास दिन है आज और पहुँच रहे हैं सर, क्या कहिएगा, बहुत खास दिन है, स्वागत के लिए आप भी यहाँ मौजूद हैं बिहार में, एनडीए के बिहार पहुंच रही और उम्मीद करेंगे सभी लोगों से वोट करने के लिए। आज बड़ी हर्ष की बात है, हमारे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उम्मीदवार बनाया गया है उसे संपूर्ण देश में खुशी की लहर है और आज वो स्वयं बिहार आ रही हैं। हम लोग मिथिला से आकर के और मिथिला के परंपरा से उनका मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान के माला से उनका सम्मान मौर्जा होटल में करने जा रहे हैं और सारे दलों से मेरा आग्रह होगा जो सारे लोग एकजुट होकर के पहली दफे
आज आदिवासी समाज के एक महिला को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। सब अपना अपना बहुमूल्य मत दे करके इनको विजय बनावे और यही मेरा शुभकामना है। संपूर्ण बिहार वासियों के तरफ से उनको हम अग्रिम बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। विपक्ष हमेशा ये बात कहती है कि बीजेपी दलितों के खिलाफ या कुछ ऐसा विषय रहा जिसमें बीजेपी का हाथ, मगर अब एक ऐसी